क्या बढ़िया वेदर है। वैसे मुझे बारिश पसंद नहीं है बिल्कुल, पर आज की बारिश का जो पैटर्न है वो काफी अलग है। बहुत ही धीरे धीरे शुरू होती है, फिर थोड़ी देर के लिए तेज हो जाती है और फिर वापस से धीरे हो जाती है। तो मैं आधे घंटे से बाहर बैठ कर यही इंजॉय कर रहा हूँ कि कैसे जो भगवान है वो ट्रांजिशन क्रिएट कर रहा है बारिश में। फिर से बारिश हल्की हो गई। तो गाइस स्वागत है आपका यश शर्मा फिटनेस पर। तो आज सैटरडे है और सरप्राइजिंगली मेरे पास कोई भी काम नहीं है, सिर्फ एक ईमेल करना था वो मैंने कर दिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ। इस घड़ी में स्ट्रैप लगवाने के लिए और मैंने एक चीज डिसाइड करी है कि अगले एक साल तक मैं अपनी बियर्ड नहीं काटने वाला। तो ये आइडिया मेरे आसपास के सभी लोगों को बहुत ही गंदा लगा, उन्होंने सबने यही कहा कि तू बहुत ही भद्दा दिखेगा। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ जर्नी, बहुत टाइम से सेम दिख रहा हूँ, कुछ नया ट्राई करता हूँ। ऑल्सो आई ट्राई टू मेंटेन दिस हेयर कट बिकॉज बियर्ड के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कम्पेयर टू लॉन्ग हेयर। तो डू लेट मी नो योर कॉमेंट्स, आपको क्या लगता है जैसी हो गई है, साफ भी हो जाएगी या वो भी कर दीजिए और नई बैटरी भी लगा दो। अंकल ने मेरी घड़ी एकदम नई जैसी कर दी, आई एम सो हैप्पी। सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत समय से ठीक करानी थी, लेकिन ऐसे ही मैं करा नहीं रहा था कि छोड़ो नई घड़ियाँ हैं मेरे पास वही पहन लूँगा। बट आई जस्ट रियलाइज कि इसकी अहमियत क्या है। मैंने ये घड़ी खरीदी थी जब मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हुए थे YouTube पर, और उसके बाद मैंने कई और घड़ियाँ खरीदी, इससे महंगी भी ली, बट कभी किसी और घड़ी के साथ मेरे को इतना अटैचमेंट नहीं हुआ, मैंने किसी और घड़ी को इतना संभाल के नहीं रखा। ये 2019 जून में ली थी मैंने, तो इसको हो गए हैं 2 साल से ज़्यादा। सम थिंग्स मनी कांट बाय। सो फुटबॉल मैच से पहले बहुत सारे कार्ब्स खा रहा हूँ, चावल एंड आलू। तो ये रेसिपी बहुत ही मस्त है, आप आलू को मैश कीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा धनिया और मिर्च मसाला डालिए, उसको फ्लैट करके टोस्टर में डाल दीजिए। तो ऐसे आपको एक यूनिक सा टेक्सचर मिलता है। साथ में आप एंजॉइंग दिस अमेजिंग ड्रिंक बाय मास्टर ब्लेस, ये नया फ्लेवर है मिक्स बेरी, ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो नॉर्मली मैं अपने प्रैक्टिस मैचेस ट्रेनर्स में खेलता हूँ क्योंकि ये आपके नीज पर कम स्ट्रेस डालता है, बट क्योंकि आज बारिश हो रही है तो हो सकता है कि ये स्लिप करे, इसीलिए मैं अपने स्टड्स भी रख रहा हूँ। तो मैच के बाद के लिए मैं एक मील प्रिपेयर कर रहा हूँ, एक स्कूप वे प्रोटीन एज यूजुअल आलू, और इंट्रा वर्कआउट के लिए मैं एक स्कूप मसल ब्लेज BCAA प्रो ले रहा हूँ। अगर आप भी रनिंग या कोई स्पोर्ट खेलते हो तो BCAA अपनी डाइट में ऐड करना बेनिफिशियल रहेगा। इसमें 7 ग्राम ब्रांच चेन अमीनो एसिड है, साथ ही साथ 1100 mg इलेक्ट्रोलाइट भी है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी को रिहाइड्रेट करने में मदद करते हैं क्योंकि स्वेट के कारण आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, जिससे फिर आपको मसल क्रैम्प्स आते हैं, तो ये चीज़ उसे प्रिवेंट करता है। साथ साथ इसमें 40 mg जो कि RDA का 100% है, वाइटामिन सी भी ऐड करा गया है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या शुगर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये 2 अमेजिंग फ्लेवर्स में आता है, ऑरेंज एंड ग्रेप। मेरा पर्सनल फेवरेट है ये ऑरेंज। तो इसे ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक को क्लिक कर सकते हैं, और डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल करिए Yash30, सबसे छोटा कोड यही है, तो इस्तेमाल करिए। मैंने कल कैलकुलेट करा, सबसे छोटा कोड मेरा ही है। तो अभी मैं कैब में हूँ क्योंकि
जो फुटबॉल ग्राउंड है वो मेरे घर से 1.5 घंटा दूर है, तो इतना कौन ड्राइव करे। तो मैंने रिसेंटली एक बहुत ही अमेजिंग मूवी देखी जिसका नाम है वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर, और मैं हैरान हूँ कि इसके बारे में मैंने अभी तक क्यों नहीं सुना था। ये मूवी स्टोइक प्रिंसिपल्स की बात करती है, साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप ये मूवी चेकआउट कीजिए। और इसके आखिर में 3 सवाल पूछे जाते हैं, वेयर आर यू, व्हाट टाइम इज इट एंड हु आर यू। इन 3 सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए एंड आई एम डैम श्योर कि आपको अच्छी लगेगी। सो आई हैव रीच द ग्राउंड, इस जगह का नाम है किक सेल, और अगर आपको आवाज़ आ रही है तो दैट्स द साउंड ऑफ एक्साइटमेंट, बिकॉज आज रोनाल्डो 12 साल बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहा है। Although I'm not a Manchester United fan, but इस ट्रांसफर से मैं बहुत ज़्यादा खुश था and I'm sure कि जितने भी फुटबॉल फैंस हैं वो इस ट्रांसफर से बहुत खुश ही है, क्योंकि रोनाल्डो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो कॉम्बिनेशन, इट्स लवली, इट्स लाइक क्रिस्टन बेल बैक इन डार्क नाइट ट्रायलॉजी। और अच्छा है कि मैं स्टड्स भी लेकर आया हूँ, क्योंकि ग्राउंड काफ़ी गीला है तो ट्रेनर तो स्लिप करेंगे। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऑनेस्टली मैंने इससे गंदा फुटबॉल आज तक नहीं खेला। अगर मैं अपनी टीम का कैप्टन होता तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद को बाहर फेंक देता, निकालता भी नहीं। एंड आई रियली थिंक कि अब मुझे अपने फुटबॉल को या तो ज़्यादा सीरियसली लेके रिकवर कर लेना चाहिए, या तो लिटरली खेलना एकदम बंद कर देना चाहिए। तो दिस इज़ डिसरेस्पेक्टफुल द वे आई प्ले टूडे, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी। मेरे को और थोड़ी प्रैक्टिस मेंटेन रखनी चाहिए थी। आई स्टिल हैव सम टाइम, आई एम 26 राइट नाउ, अभी भी मैं खेल कर अपना गेम थोड़ा रिकवर कर सकता हूँ। तो या आई होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पीस।